मैं आपको होममेड टॉफीज बनाना सिखाऊंगी, कैसे आप घर पे बहुत आराम से चाशनी के इस्तेमाल से टॉफ़ी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉफीज़ बनाना। टॉफीज़ बनाने के लिए हमें चाशनी चाहिए। मेरे पास रसगुल्लों की बची हुई चाशनी है, कम से कम ये 250 ग्राम चाशनी है, तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चीनी से भी चाशनी बना सकते हैं। चाशनी के साथ साथ हमें चाहिए होगा देसी घी, एक चम्मच देसी घी लिया है मैंने, और एक छोटा कप दूध। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, जैसा कि कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम चाशनी डाल देंगे। और चाशनी को उबाल आने देंगे। अभी मैंने तेज ही रखा है फ्लेम, आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है। बीच बीच में चेक करते रहिए कि ये साइडों में लग तो नहीं रही है। इसे और बॉईल होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अब काफी उबाल आ रहा है चाशनी में, तो इस टाइम पर हम इसमें ये जो हमने आधा कप दूध लिया है ये डालेंगे। इससे चाशनी के अंदर जितना भी मैल होगा वो निकल जाएगा। अब इसको हमें इस तरीके से निकाल कर आराम से निकालना है और अलग कर लेना है। चाशनी में से हमने मैल निकाल लिया है अलग, अब इसे बॉईल होने दीजिए। चाशनी को हमें जब तक बॉईल होना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाती, तो इसे धीरे धीरे बॉईल होने दीजिए। बीच बीच में चला के देखते रहिए कि साइड से लगना शुरू तो नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप काफ़ी झाग आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये ऊपर की तरफ अगर निकलने वाला है, तो इसको ऐसे बार बार चला के कर दीजिए। चाशनी उबलते टाइम इसी तरीके से झाग आएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल फिर भी नीचे नहीं हो रहे हैं झाग, तो थोड़ा सा आप आँच को डिम करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसे बॉईल करके पूरा हमें पकाना है, तो इसे हमें तेज़ गैस पर ही पकाना होगा। आप चमचे के यूज़ से इसको कर सकते हैं। और इसको बॉईल होने दीजिए। देखिए लग थोड़ा डिम कर देंगे, लग रहा है कि निकलने वाला है, तो आप चमचे से इसको फिर तेज कर देंगे। इस तरीके से चाशनी को पकाते रहेंगे। आंच ऐसे रखिए, ना बहुत धीम और ना बहुत तेज, क्योंकि बहुत तेज होने से झाग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और बिल्कुल डिम कर देंगे तो फिर अच्छे से बॉईल नहीं हो पाएगा, तो मीडियम रखेंगे इसे और इसे। साइडों में लगने लगी है, वाइट वाइट होने लगा है, देखिए इस तरीके से। इस स्टेज पर अब हम इसमें जो हमने एक चम्मच घी रखा है ये डाल देंगे। गैस को बंद कर दीजिए जैसे ही सुनहरा होने लगे, लेकिन इसको चलाते रहना है। गैस बंद करने के बाद
एक प्लेट में इस तरीके से घी फैला लेंगे जिससे कि टॉफीज चिपके नहीं और आराम से निकल जाएं। अच्छी तरीके से घी लगाने के बाद ये देखिए, क्योंकि ये चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है तो इसको थोड़ा गरम गरम वाले टाइम पर ही हमें यूज़ करना है। एक छोटी चम्मच लेंगे, इस छोटी चम्मच को देखिए इस तरीके से आप गोल घुमाइए तो ये ऐसे राउंड शेप में इसमें से निकल जाएगा टॉफ़ी, और इसको दूसरी चम्मच से ये ठंडा हो जाए तो हाथ से इस तरीके से शेप दीजिए। तुरंत तुरंत ये ठंडा हो जाता है, काफ़ी टाइट हो जाता है, जैसे मार्केट में टॉफ़ीज़ मिलती हैं बिल्कुल ये वो इसी टेस्ट की टॉफ़ी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगी टॉफ़ीज़। बहुत आराम से और बहुत ही जल्दी आप घर में चाशनी से टॉफ़ीज़ बना सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कितनी आसान तरीके से हमने घर पर ही चाशनी से टॉफ़ीज़ बना ली हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को ज़रूर खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल बटन है, उसे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।